सो हेलो गाइज, आप सभी का वेलकम करता हूँ मैं अपने चैनल टेक स्ट्रेस पर। गाइज, अगर आपका भी एक यूट्यूब चैनल है, आप भी यूट्यूबर हैं, तो ऐसे में आपको पता होगा जब भी आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक कॉपी करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप शेयर करते हैं, जैसे फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, जब भी लिंक कॉपी करके आप पेस्ट करते हैं तो वहां पर जो यूट्यूब का लिंक रहता है वो काफ़ी बड़ा आता है। एज फॉर एग्जाम्पल www.youtube.com/xyz9m10, मतलब बहुत लंबा चौड़ा आता है जिसे आप याद नहीं कर सकते हैं, इसलिए आप कॉपी करके पेस्ट करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप अपने YouTube चैनल के लिए कस्टम URL बना सकते हैं, कैसे इसे इनेबल किया जाता है, क्या क्या इसकी क्राइटेरिया वगैरह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जब आप अपने YouTube चैनल का कस्टम URL बना लेते हैं तो आपका YouTube चैनल का लिंक कुछ इस तरह का दिखता है, जैसे www.youtube.com/आपका चैनल का नाम। जैसे मैं जब कस्टम URL बना लूंगा तो मेरा चैनल का लिंक ऐसे दिखेगा। ठीक है गाइज, आपका भी कस्टम URL बनाने के बाद काफ़ी लिंक छोटा हो जाता है, आप उसे याद भी रख सकते हैं, टाइप करके भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, आपको बार बार कॉपी करके पेस्ट करके ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए गाइज, इस वीडियो में सीखते हैं किस तरह से कस्टम URL क्रिएट किया जाता है, क्या इसका प्रोसेस है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, वीडियो पसंद आएगी लाइक कीजिएगा। चलिए गाइस, चलता हूँ मोबाइल के स्क्रीन के तरफ। सो गाइस, चलिए मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप अपने यूट्यूब चैनल के लिए कस्टम URL बना सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है इनेबल करने के लिए। तो फिलहाल आपको बताना चाहूँगा, मेरा भी यूट्यूब चैनल है तो मैंने भी अभी तक जो है कस्टम URL जनरेट नहीं किया है। मैं इस वीडियो में लाइव करके दिखाने वाला हूं, तो पूरा प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप देखने और समझने का प्रयास करें। फिलहाल जब आप अपने चैनल का लिंक कोई कॉपी करके शेयर करते हैं अपने दोस्तों को, तो आपका YouTube चैनल का जो लिंक रहता है कुछ इस तरह का रहता है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे www.youtube.com/xyz9592010, इस तरह का बहुत सारे नंबर रहते हैं। बट जब आप कस्टम URL एक बार इनेबल कर देते हैं अपने चैनल पर, तब आपका जो चैनल का लिंक रहता है वो काफ़ी शॉर्ट रहता है, जिसे आप याद भी कर सकते हैं, जैसे www.youtube.com/ उसके बाद आपका चैनल का नाम। ठीक है, तो चलिए मैं आपको प्रोसेस बोलता हूँ, पूरा वीडियो देखिए गाइस। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल पर जो है क्रोम को ओपन करने के बाद गूगल पर आ जाना है। यहाँ पर गाइस आपको यूट्यूब ओपन करना पड़ेगा, तो फिलहाल मैं यूट्यूब अपना क्रोम में ओपन करता हूँ। यहाँ पर आपको सिंपली यूट्यूब यहाँ से गाइस ओपन कर लेना है। ठीक है, यूट्यूब ओपन होने के बाद सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है, आप मोबाइल में कर रहे हैं तो यहाँ से 3 डॉट जो दिख रहा है, यहाँ पर गाइस आपको जस्ट क्लिक करके यहाँ पर देखिएगा आप, डेस्कटॉप साइड एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा। सो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये आपका यूट्यूब फुल स्क्रीन में हो जाएगा, यानी डेस्कटॉप साइड में, जिसकी मदद से आप कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका जो है चैनल का यहाँ पर लोगो दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर दिखने के बाद आपको चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। अगर आपका चैनल ऐड नहीं है तो स्विच अकाउंट में जाकर कर सकते हैं। तो मैंने योर चैनल पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा चैनल इस तरह से ओपन हो जाएगा, आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका भी चैनल इस तरह का ओपन होगा। सो यहाँ पर आपको कस्टमाइज चैनल ऑप्शन दिखेगी, 2 ऑप्शन कस्टमाइज चैनल, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये फिर लोडिंग लेता है, इसके बाद आपका चैनल पूरे तरीके से डेस्कटॉप साइड में ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपका चैनल का जो है ये कोने साइड में यहाँ पर आपका एक सेटिंग का आइकन रहेगा, इस वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है गाइज, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए चैनल सेटिंग खुल चुका है। यहाँ पर 2 सेटिंग, एक अकाउंट सेटिंग, एक एडवांस सेटिंग, आप किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं। तो मैं बेसिकली ऊपर वाले में क्लिक कर देता हूँ, अकाउंट सेटिंग में। ठीक है, यहाँ पर देखिए अकाउंट सेटिंग में आने के बाद, अगर अभी प्राइवेसी में है, यहाँ पर अकाउंट सेटिंग में आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है आपको अकाउंट का, इस अकाउंट वाले ऑप्शन में जाकर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं अकाउंट ऑप्शन में यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, इस अकाउंट वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। अकाउंट ओपन होने के बाद यहाँ पर गाइस चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर्स है और चैनल व्यू एडवांस सेटिंग, आपको गाइस फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, चैनल स्टेटस एंड फ्यूचर का, सो मैं इसमें क्लिक कर रहा हूँ। क्लिक होने के बाद अभी आपका इस तरह का इंटरफेस खुलता है, यहाँ पर बहुत सारे आपको इनेबल करने के ऑप्शन मिल जाते हैं।
ठीक है, ये आपका रहेगा। नीचे आप देखिएगा यहाँ पर गाइज आपका एक रहता है कस्टम यूआरएल, ठीक है, वो यही वो ऑप्शन है जहाँ से अपना कस्टम यूआरएल इनेबल कर सकते हैं। इस ऑप्शन में आपको इनेबल का जो ऑप्शन दिख रहा है इनेबल में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जस्ट वन में यहाँ से ओपन करता हूँ क्रोम में। यहाँ पर देखिए गाइज यहाँ पर आपका जो है इस तरह का आपका ओपन होता है। यहाँ पर लिखा है यू आर एलिजिबल फॉर कस्टम यूआरएल क्लिक हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कस्टम यूआरएल को इनेबल करने से पहले अगर मैं लर्न मोर में आपको इसके क्या क्राइटेरिया है किस तरह से अपना कस्टम यूआरएल कर सकते हैं। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर अगर आप रीड करना चाहें आपके चैनल पर 100 सब्सक्राइबर होना चाहिए, आपका चैनल 30 दिन पुराना होना चाहिए, आपका चैनल का आइकॉन लगा होना चाहिए और आपका चैनल का जो आर्ट रहता है यूट्यूब चैनल का जो आर्ट रहता है जिसे चैनल बैनर भी कहते हैं वो लगा होना चाहिए। यानी चार ये जो तरीका है वो आपके चैनल पे पूरा परफेक्ट होना चाहिए। सो भी मैं बैक करके बता देता हूँ। अभी आपको कस्टम यूआरएल बनाना है तो आपको हेयर ऑप्शन में दिख रही है, ठीक है, यहाँ हेयर में आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका वो ऑप्शन खुल चुका है। अभी देखिए गेट अ कस्टम यूआरएल यहाँ पर youtube.com/techstress मेरा नाम है, उसी तरह आपका भी नाम रहेगा जब आपका 100 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। सो यहाँ पर आपको टेक स्ट्रेस से नीचे जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर टेक स्ट्रेस के बाद कोई और वर्ड अगर आपको लिखना है, ठीक है, जैसे टेक स्ट्रेस टेक्निकल कुछ और वर्ड अगर एक्स्ट्रा ऐड करना है तब वहाँ से ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मुझको यही अपना ही कस्टम यूआरएल चाहिए youtube.com/techstress। ये करने के बाद गाइज अभी आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ऑप्शन आई हैव एग्री विद टर्म एंड कंडीशन या फिर आई हैव एग्रीड एंड एग्री द कस्टम यूआरएल, यहाँ पर टिक क्लिक करने के बाद चेंज यूआरएल ऑप्शन में क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर कंफर्म कर दें। कंफर्म करने के बाद आपका कस्टम यूआरएल गाइज रेडी हो चुका है।